तो वी हैव टू लुक इन टू दिस कि हमारे पास अल्टीमेटली न्यूमरेटर में टाइप वन आ रहा है या फिर टाइप टू आ रहा है, राइट? दिस इज योर टाइप वन, दिस इज योर टाइप वन एंड दिस इज योर टाइप टू। तो सबसे पहली नजर तुम्हें यहाँ रखनी है कि कौन सी चीज बन रही है, ठीक है? व्हाट इज दैट दैट वी आर एबल टू क्रिएट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ तो अभी एक्स स्क्वायर प्लस वन दे रखा है, तो क्या करूंगा, ऊपर नीचे मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। जैसे ही मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, ये तो आ गया मेरे पास वन, और वन कितना आ गया, वन बाई एक्स स्क्वायर अलॉन्ग विथ जी एक्स। तो ये वाली चीज तो मुझे दिखने लग गई, क्या ये टाइप टू है? व्हाट इज दिस, दिस इज टाइप टू। नीचे भी मैंने वही काम करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना, भाई मैथमेटिक्स है, कोई भी चीज करनी है तो पूरी पूरी करनी है, ऐसा नहीं है कि ऊपर कर दिया नीचे नीचे, दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है? तो हम लोग इस जगह पहुंच गए, ठीक है? अब ये बात हमें पता लग चुकी है कि अगर मेरे पास वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो मुझे क्या क्रिएट करना है डिनोमिनेटर में, कुछ ये वाला फॉर्म क्रिएट करना है, एक्स माइनस वन बाई एक्स वाला फॉर्म क्रिएट करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसको मैं टी लूंगा तो मेरे पास दिस एक्सप्रेशन इनटू डीएक्स डीटी से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है? तो मुझे ये वाला फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। चलो आओ कोशिश करके देखते हैं, लेट अस ट्राई एंड डू इट। न्यूमरेटर आई वॉन्ट इवन टच इट, राइट? आई विल ट्राई एंड वर्क ऑन द डिनोमिनेटर एंड आई वुड लाइक टू मेक इट वॉज समथिंग ऑफ द फॉर्म एक्स माइनस वन बाई एक्स। तो देखो अब यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, आई एम श्योर आप सबको पता होगा, पता नहीं आप सातवीं आठवीं कब से पढ़ रहे हो ये सब। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है? तो ए स्क्वायर तो ये रहा, बी स्क्वायर तो ये रहा, माइनस टू ए बी ये बनाना पड़ेगा, ठीक है? चलो देखते हैं, लेट अस ट्राई टू डू इट। तो ये रहा तुम्हारे पास ए स्क्वायर, ये रहा तुम्हारे पास माइनस टू ए बी, और ये रहा तुम्हारे पास वन बाई बी स्क्वायर। अब ऐसा तो है नहीं कुछ भी कर लेंगे भाई, यहाँ पे प्लस वन था, यहाँ हमने माइनस टू कर दिया, ऐसे कैसे कर देंगे, ठीक है? चलो प्लस थ्री कर देते हैं, अब तो कर लेंगे ना। नाउ वी कैन डू इट, राइट? वी कैन नॉट चेंज द एक्सप्रेशन, बट यस वी कैन मॉडिफाई द एक्सप्रेशन, राइट? वी कैन नॉट ब्रिंग एनी चेंज, बट यस वट एवर वी आर एडिंग वी कैन सब्सट्रैक्ट, वी आर सब्सट्रैक्टिंग वी कैन ऐड, वी आर मल्टीप्लाइंग विल डिवाइड, ठीक है? वट एवर। सो नाउ दिस इज ऑल डन, नाउ दिस ऑल सीम्स वेरी गुड टू मी। दिस इज वन ओवर वन प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर ओवर डी एक्स एंड दिस कैन सर्टेनली बी रिटन एज एक्स माइनस वन बाई एक्स होल स्क्वायर एंड दिस इज वॉट दिस इज रूट थ्री होल स्क्वायर। आई होप दैट यू रियलाइज दैट द मोमेंट यू टेक दिस वैल्यू एज टी द एक्सप्रेशन वुड बिकम लाइक दिस, दैट इज डी टी ओवर टी स्क्वायर प्लस रूट थ्री टी स्क्वायर। And I'm pretty sure you know the value of such things. It is what? 1 by a tan inverse t by a, right? So t ke jagah pe value rakh dun, kitni thi t mere paas, 1x minus 1 by x and that was this thing. Ab chahe to isko thoda simplify kar dein, balki aap zarur simplify kare, simplification kar deni chahiye. You should always leave the final answer in this form. So that will be tan inverse aur ye ho jayega mere paas x square माइनस वन ओवर रूट थ्री एक्स प्लस टू। तो दिस शुड बी लेफ्ट एज द फाइनल आंसर। जितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया और ये वाली बात आपने ध्यान से लिख ली होगी, ठीक है? कब हमें कौन सी चीज, बिकॉज देखो बात सिर्फ सोल्यूशन देखने की नहीं है, बात इस चीज की क्वेश्चन में हमें किस चीज से, एवरी लॉक हैज अ की, बट इफ यू डोंट पुट द की एट द राइट प्लेस द लॉक वॉन्ट बी ओपन, इवन इफ यू हैव द राइट की यू वॉन्ट बी एबल टू ओपन द लॉक। सो यू शुड नो वेयर टू पुट द की। उसी तरीके से यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या चीज हमें देखनी है, ठीक है? वंस यू गेट द राइट स्टार्ट यू कैन ऑलवेज रीच द फाइनल आंसर, ऑलवेज, ओके? सो लेट मी टेक अप वन मोर एग्जांपल फ्रॉम दिस। एक स्टार्टिंग का लेते हैं, फिर एक दो लास्ट का भी लेंगे, ठीक है? और एक स्टार्टिंग का लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये बड़ा अच्छा सा लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है ये, राइट? जिसमें सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है दैट यू हैव टू फाइंड What is the integration of cot theta with respect to d theta? ठीक है, that is what we have. अब देखो यहाँ पे तो ये cot theta से, एक तो cot theta है, right? अब यहाँ पे मुझे क्या कुछ चीजें याद आती हैं कि अगर ये cot theta है तो क्या cot theta की integration हमें directly पता है? हाँ ये तो पता है, क्या है ये log of sin theta, है ना? ये सब चीजें तो हमें आती हैं, राइट? विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा यहाँ लिखना चाहिए था, इट इज लॉग ऑफ साइन थीटा, बट ये अंडर रूट के अंदर रख दिया यार, ये क्या बात होती है? तो अंडर रूट के अंदर रख दिया, ये तो बहुत गलत बात किया इन्होंने। तो क्या करें,
चलो कुछ ऐसा सोचते हैं, कुछ इसको सब्स्टिट्यूट वगैरह करने का सोचते हैं, राइट। अगर सिर्फ कॉसिटा होता फिर तो ठीक था, बट ये अंडर रूट के अंदर रख के इन्होंने हमारे लिए परेशानी क्रिएट कर दी। चलो कोई बात नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा को ऐसा करता हूँ वाई का स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट कॉट थीटा क्या बन जाएगा बेटा, वाई बन जाएगा। तो हमें ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि आखिर ये डी थीटा क्या बनेगा, राइट। तभी तो हम पूरा जो इंटीग्रैंड है वो रिप्लेस कर सकेंगे, ठीक है। तो आइए मैं इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आ गया मेरे पास ट्वाइस ऑफ वाई डी वाई ओवर डी थीटा, और कॉट थीटा की जो डिफरेंशिएशन है आई होप हम सभी लोगों को पता है, इट इज माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा, दैट इज व्हाट आई गेट। तो हमें तो ये देखना है कि भाई डी थीटा की जगह पे क्या हो रहा है, सिर्फ ये बता दो, राइट। बिकॉज हमें तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को थीटा के अंदर लेके आना, ये अंडर रूट से बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो चलो देखते हैं क्या आ रहा है, लेट अस सी। तो मैंने ये देखा कि डी थीटा की जगह पे मेरे पास आ रहा है ट्वाइस ऑफ वाई इंटू डी वाई, और नीचे आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। माइनस साइन को यहाँ रख देता हूँ। कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या मैं कॉट में लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकता हूँ, अगर मुझे सही ध्यान आ रहा है तो कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कहते हैं, राइट। अब ये जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री है, आई होप आप सभी लोग इसमें कॉम्फर्टेबल हैं। नाउ व्हेन आई पुट दीज वैल्यूज हेयर, अंडर रूट कॉट थीटा की जगह पे मैं क्या रखने जा रहा हूँ, वाई रखने जा रहा हूँ, ठीक है। और डी थीटा की जगह पे क्या रखने जा रहा हूँ, माइनस टू। तो माइनस टू को बाहर रख देता हूँ बेटा। ये ऊपर कितना आ गया मेरे पास, ऊपर आ गया मेरे पास टू वाई, तो ये हो गया वाई स्क्वायर और ये डी वाई। नीचे क्या है मेरे पास, नीचे है मेरे पास वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कॉट स्क्वायर थीटा ये चीज क्या बनने वाली है बेटा, ये चीज बनने वाली है कॉट थीटा इज व्हाट, वाई स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसकी पावर 4, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट हियर। मुझे ये वाला फॉर्म यहाँ तक तो कुछ ठीक ठीक सा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, ठीक है। अब देखो जैसे मैं यहाँ तक पहुंचा तो अब क्या समझ में आता है, यहाँ तक तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, वी हैव रीच्ड द प्लेस जहाँ हम कुछ कर सकते हैं, राइट। वी कैन सर्टेनली थिंक ऑफ समथिंग। तो ये माइनस टू वाई स्क्वायर है। अब देखो न्यूमरेटर में तो कुछ खास मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन हाँ डिनोमिनेटर में मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ वही वाला फॉर्म बन सकता है। कौन सा वाला फॉर्म, या तो वाई प्लस वन बाई वाई, या फिर वाई माइनस वन बाई वाई। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर नीचे, मेरे पास वाई स्क्वायर था ना, ये तो वाई स्क्वायर, ओके। मैं ऊपर नीचे वाई स्क्वायर से डिवाइड करने जा रहा हूँ। जब मैं वाई स्क्वायर से डिवाइड करने जा रहा हूँ तो ये वाली चीज तो आ गई मेरे पास ऊपर सिर्फ माइनस टू, क्या बनी माइनस, और नीचे क्या आ गया मेरे पास, नीचे आ गया बच्चों वन बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें ये देखना होता है कि यहाँ पे क्या क्रिएट करें, ऐसा राइट, ऐसा क्या क्रिएट करें ताकि लेट मी राइट इट हियर, राइट। यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि या तो हम वाई माइनस वन बाई वाई का होल स्क्वायर बनाते हैं, या फिर वाई प्लस वन बाई वाई का होल स्क्वायर बनाते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी फैक्ट कि ऊपर मेरे पास वन प्लस वाई स्क्वायर है या फिर वन माइनस वाई स्क्वायर, इस चीज पे डिपेंड करता है। बट इस बार तो हमारे पास ना ही वन प्लस वाई स्क्वायर है और ना ही वन माइनस वाई स्क्वायर है, तो क्या बहुत टेंशन की बात है? नहीं, टेंशन की बात तो कभी है ही नहीं बेटा, मैथमेटिक्स में टेंशन नाम की चीज तो होती ही नहीं है। देखो यहाँ से मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। देखिए माइनस टू है और वाई स्क्वायर की प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं एक बार वन बाई वाई स्क्वायर ऐड कर देते हैं और एक बार वन बाई स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ऐसा तो कर सकते हैं ना। तो मैं न्यूमरेटर में वन प्लस वाई स्क्वायर को ऐड कर रहा हूँ और माइनस टू है, तो ये माइनस टू का एक माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, एक माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ। और वन प्लस वाई स्क्वायर क्या कर रहा हूँ, वन प्लस वाई स्क्वायर सब्सट्रैक्ट भी करूंगा, तो ठीक है भाई सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ये वाली चीज कितनी आ रही है मेरे पास, और हमने सब्सट्रैक्ट किया है तो माइनस टू था, तो माइनस टू तो बना रहना चाहिए, राइट। ये ध्यान रखना है कि एक्सप्रेशन कभी भी चेंजिंग होना चाहिए, ठीक है। इट कैन नॉट बी चेंज, यू कैन सब्स्टिट्यूट, यू कैन मॉडिफाई, बट यू कैन नॉट चेंज इट, ओके। अल्टीमेटली जो था वो रहना चाहिए। तो देखो माइनस टू था, माइनस टू है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ थोड़ा थोड़ा तो हिंट मुझे मिलना शुरू हो जाता है, राइट। यहाँ हाँ बोलो बेटा, सर सेकंड ब्रैकेट में वन प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर आएगा,
सेकेंड ब्रैकेट में मेरे पास यहाँ पे वाई स्क्वायर है, हाँ यहाँ प्लस कर दो बेटा, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ये अल्टीमेटली सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, थैंक यू। तो हमने अब यहाँ पे ये देखा कि हमारे पास दो एक्सप्रेशन बन रहे हैं, इन दोनों को अलग अलग लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आओ, डिनोमिनेटर तो मेरे पास सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रहा वाई स्क्वायर और ये रहा वाई स्क्वायर, ठीक है, 1/y² वाई स्क्वायर, इसको मैं ना दो एक्सप्रेशन में स्प्लिट करने जा रहा हूँ, और क्योंकि ये 1 - y² की जगह पे मेरे पास 1/y² -1 है, तो मैं इसमें माइनस साइन कॉमन लेकर के ना इसको उसी फॉर्म में रखना चाहूंगा जो हमें अच्छे से आता है। आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं है, राइट। मैंने -1 इसमें से बाहर ले लिया, और यहाँ देखो बेटा नीचे तुम्हारे पास ये क्या है, नीचे तुम्हारे पास है 1/y² एंड वाई स्क्वायर, ठीक है, आई होप दैट इज ओके। और जब इसका आप सेकेंड पार्ट देखते हैं तो यहाँ आपके पास ये माइनस साइन बाहर है, दिस माइनस साइन इज आउटसाइड, एंड दिस इज 1 + 1/y² एंड द डिनोमिनेटर रिमेन्स वट एवर इट वॉज। आई होप ऑल ऑफ यू आर ओके विद दैट। इट्स अ गुड क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन, अ गुड वेटेड क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन सर्टेनली कई बार एग्जाम में रिपीट हो सकता है, आई डोंट से कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया, बट हाँ इस टाइप से तुम्हें फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। इफ दैट इज ओके आई वुड लाइक टू कॉपी टू द नेक्स्ट स्क्रीन, ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करके नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके चल रहा हूँ। आइए देखते हैं क्या सिचुएशन बन रही है इन सारी बातों को देखते। तो इसके बाद बेटा अब तो चीजें बहुत साफ साफ दिखने लगी, ये मैंने मेरे पास ये वाला फॉर्म है, तो ये कैसे क्रिएट होता था, जब मुझे वाई प्लस 1/y मिलता था तो ये क्रिएट होता था, तो ऑब्वियस सी बात है मैं न्यूमरेटर को तो बिल्कुल भी टच नहीं करता, राइट, आई लीव इट एज इट इज, 1 - 1/y² दैट इज डी वाई। यहाँ मैं क्या क्रिएट करने जा रहा हूँ, यहाँ मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ वाई माइनस वाई प्लस 1/y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया वाई प्लस 1/y का होल स्क्वायर, यहाँ मैंने 2 एक्स्ट्रा लिया है तो मुझे ये 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर इस स्टेप में कोई परेशानी है तो पूछ लेना, राइट, क्योंकि यहाँ तुम देखो इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, a² + b² + 2ab, तो ये +2 एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे नहीं था तो मुझे वो +2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज व्हाट आई हैव डन। आई होप यू पीपल आर कंफर्टेबल देयर। सो मूविंग ऑन, द नेक्स्ट थिंग इज 1/1 + 1/y² एंड डी वाई। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे वाई माइनस 1/y चाहिए, तो कोई बात नहीं, ये रहा मेरा वाई और ये रहा 1/y। अब सिर्फ सोचना ये है कि क्या एक्स्ट्रा आएगा, a² + b² - 2ab, मतलब यहाँ पे माइनस आ रहा है तो प्लस करना पड़ेगा, दैट इज ऑल, दैट इज ऑल। अब तुम क्या करने जा रहे हो एग्जाम के ख्याल से, आंसर शीट के ख्याल से, अब क्या करने जा रहे हो, इसको यू ले लोगे और इसको वी ले लोगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट हो रहा हूँ, आप इसको ज्यादा अच्छे से लिख करके करेंगे, है ना, टेकिंग दिस एज यू, टेकिंग दिस एज वी, राइट, यू टेक दिस एज I1 एंड दे टेक दिस एज I2 एंड देन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन नंबर 1, जैसे हम लोगों ने कई बार कर रखा है, ठीक है। फिलहाल मेरा अभी कंसर्न ये है कि मैं इसमें फाइनल आपको समझा करके और फाइनल आंसर तक हम लोग पहुंचे। तो देखिए आप जैसे ही इसको यू लेंगे तो ये वाली चीज तो पूरी पूरी DU बन जाएगी, तो ये बनेगा क्या, माइनस साइन के साथ DU/U² - S, दिस वुड बी DU/U² - √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड द अदर पार्ट वुड बी, दैट वुड बी DV/V² + √2 का होल स्क्वायर। और ये तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही जानी पहचानी सी चीज होनी चाहिए, ये कौन सा फॉर्म है, लॉग वाला फॉर्म है, माइनस साइन एज इट इज रह जाएगा 1/2a, राइट, तो ए कितना है मेरे पास, √2 है, क्या होता है इसका आंसर, क्या होता है, लॉग ऑफ u - a/u + a, ठीक है। और ये वाली चीज कितनी होती है बेटा, दिस इज टैन इनवर्स, तो 1/a दैट इज √2, टैन इनवर्स v/a दैट इज √2 + c। अब सिर्फ एक ही काम रह गया है, वो है एंड कुछ फाइनल आंसर को उस फॉर्म में लिखना जिस फॉर्म में ये दे रखा था। तो पहले तो यहाँ पे यू की वैल्यू आप रखोगे, आओ सिंप्लीफिकेशन भी सीखो भाई, ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। इसमें तुम अगर ध्यान से देखो तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट इतना सा था, इतना सा, बाकी सब कुछ क्या है, सिर्फ अलजेब्रा है। अलजेब्रा को प्रैक्टिस कर लो, एक्सप्रेशन को डील करना सीख लो, तो इट इज ऑल वेरी इजी, ओके। तो 1/2 √2 आ गया बेटा,
और ये आप कितना रखने जा रहे हैं, यू के जगह पे क्या लिया था हमने, वाई प्लस वन बाई वाई लिया था, तो आपने यहाँ रखा वाई प्लस वन बाई वाई माइनस रूट टू, और नीचे कितना आ गया बच्चों, वाई प्लस वन बाई वाई प्लस रूट टू, यहाँ आपके पास आ गया वन बाई रूट टू टैन इनवर्स वी बाई रूट टू। वी कितना था बेटा, दैट वॉज वाई माइनस वन बाई वाई ओवर रूट टू। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ तुम्हें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, जैसे वाई का एलसीएम लेकर के ना इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, इट्स ऑलवेज गुड, बिकॉज अभी तुम्हें ध्यान है कि वाई भी हमने एज्यूम किया था। देखो क्या लिया था हमने, हमने वाई स्क्वायर को कॉट थीटा लिया था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वाई को तुम अल्टीमेटली किससे रिप्लेस करने जा रहे हो, अंडर रूट ऑफ कॉट थीटा से। जहाँ वाई स्क्वायर है वहां पे कॉट थीटा, और जहाँ पे वाई है वहां पे अंडर रूट ऑफ कॉट थीटा, दैट इज व्हाट द फाइनल आंसर वुड बी। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना, मतलब सिर्फ अब सबस्क्रिप्ट वाला पार्ट रह गया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसमें कंफर्टेबल हैं, राइट। तो दिस इज वाई स्क्वायर माइनस रूट टू वाई प्लस वन, और नीचे बिकॉज वाई वाई ऊपर नीचे कैंसिल होने जा रहा है, दैट विल बी अगेन वाई स्क्वायर प्लस रूट टू वाई प्लस वन, एंड द लास्ट वन इज माइनस वन बाई रूट टू, दैट विल बी टैन इनवर्स वाई स्क्वायर माइनस वन ओवर रूट टू वाई प्लस टू। अब देखो मैं यहाँ पे एक काम तुम्हारे लिए छोड़ दे रहा हूँ, वाई स्क्वायर की जगह पे कॉट थीटा रख देना भाई, और वाई के जगह पे अंडर रूट कॉट थीटा रख देना। क्या इतना सा काम कर पाओगे आप लोग? इफ यस जस्ट रेज योर हैंड, सिंपली रेज योर हैंड। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, आई विल पुट द वीडियो ऑन पॉज टू रिपीट इट।